नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राम मंदिर के लिए सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है। इसके आयोजन की जिम्मेदारी आरएसएस के ही एक संगठन स्वदेशी जागरण मंच को दी गई है। 1 दिसंबर को दिल्ली के झंडे वालान से शुरू हुई ये रथ यात्रा 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में सम्पन्न होगी। आरएसएस की माने तो इस रथ यात्रा में जहां उनको लाखों लोगों के सहयोग की उम्मीद थी, तो ठीक उसके उलट यात्रा में शामिल होने पहुंचे कुल 100 लोग, जिससे आरएसएस को काफी बड़ा झटका लगा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और संत समाज पहले से ही राम मंदिर को लेकर अनेकों आंदोलन करते आए हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रीय संघ की ओर से आक्रामक रूप ले लिया गया है। दरअसल अपनी इस रथ यात्रा के जरिए आरएसएस राम मंदिर बनवाने के चलते नया कानून बनाने को लेकर देश भर के लोगों का समर्थन लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को करीब आता देख आरएसएस ने मोदी सरकार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। दरअसल उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के फैसले में काफी देरी कर रहा है, लेकिन यात्रा में कम लोगों के शामिल होने की बात से आरएसएस काफी सदमे में है और इसको एक बड़े झटके के तौर पर ले रहा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे।